हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप जैसे यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे हैं, बीए हिस्ट्री पेपर 2, आधुनिक यूरोप का इतिहास 1789 से लेकर 1945। तो गाइस, आप यहाँ स्क्रीन पे सिलेबस है, ये मतलब TMU यूनिवर्सिटी जो फ़िलहाल बीए पार्ट 1 में एडमिशन लिए हैं और एग्ज़ाम भी 2022 में देंगे, तो उन्हीं बच्चों के लिए ये वीडियो बनाया गया है सिलेबस, क्योंकि सिलेबस के बिना हम अपना चैप्टर को कवर नहीं कर सकते हैं। तो आइए, मैं उसी के बारे में हिस्ट्री पेपर 2 के सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो हिंदी मीडियम के लिए खास करके ये बनाया गया है, फिलहाल इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आइए, मैं यूनिट वन इसमें सबसे पहले यूनिट वन और यूनिट टू के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यूनिट वन में हमें क्या पढ़ना है, तो देखिए, यूनिट वन में हमें फ्रेंच क्रांतिकारी, उससे पहले आप यहाँ देख सकते हैं आधुनिक यूरोप इतिहास और 1789 से लेकर 1945, इंग्लिश में द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप फ्रॉम इतना से इतना। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्राचीन शासन क्या है। प्राचीन शासन के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में आपको डिस्कस करना है। आप बुक में आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो हर साल एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव या किस वन वर्ड के रूप में भी आते हैं। तो दार्शनिक भूमिका यानी और उनके अन्य सामाजिक वर्ग, दार्शनिक भूमिका क्या था और उनके सामाजिक वर्ग में क्या क्या हुआ, उसके बारे में आपको पढ़ना है। रोल ऑफ फिलोसफर और अनदर क्लासेस, सोशल क्लासेस। फ्रांसी क्रांतिकारी की विरासत, ये अच्छा टॉपिक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से आपको पढ़ना पड़ेगा। लेगेसी ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि जब वहाँ के स्वतंत्रता जन्मवादी अधिकार के विचार के बारे में फ्रांसीसी लोग ने डिस्कस किया था, तो निम्न वर्ग के लोग, महान लोग जो शक्ति प्रदर्शन करने के लिए आए थे, वहाँ के संविधान बनाने के लिए, राजशाही का प्रदर्शन करने के लिए उन लोगों ने काफ़ी मशक्क़त किया था। तो उसी के बारे में आपको थोड़ा इसमें विरासत के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आइए, हम सेक्शन बी के बारे में पढ़ते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपने सुना होगा नेपोलियन बोनापार्ट, यहाँ पर टॉपिक में लिखा गया है नेपोलियन बोनापार्ट का उदय, लेकिन सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा नेपोलियन बोनापार्ट था कौन। इससे हर साल क्वेश्चन आता ही आता है हर एग्ज़ाम में, तो इसीलिए मैंने यहाँ VVI यूज किया है, लिखा है, सॉरी। तो नेपोलियन बोनापार्ट का उदय कैसे हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, इसके बारे में डिटेल से आपको जानना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत मैं नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बता देता हूँ कि नेपोलियन बोनापार्ट का जो जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 में हुआ था, शिकागो में, सॉरी शिकागो ने एजिसो एजिसो में हुआ था। एजिसो मतलब एजिसो, AJ ACO, एजिसो, एजिसो में हुआ था, एजिसो आप लिख सकते हैं। और डेट जो हुआ था 5 मई 1821 में हुआ था, फिलहाल मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, लेकिन आप लिख लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ लेता है कि नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, कब मरा, ये सब थोड़ा बहुत आपको जानकारी रखना पड़ेगा। तो थोड़ा फिलहाल हम बात कर रहे थे नेपोलियन बोनापार्ट एक अमीर घर से व्यक्ति से, इसका शिक्षा निम्न शिक्षा अच्छे कॉलेजों से हुआ, और ये शुरू से सैनिक बनना चाहते थे, वहाँ के लोग इसको मतलब सैनिक के रूप में देखना चाहते थे। और ये इसका 4 भाई और 3 बहन था, जो इन्होंने खुद ही अपने पैसे से शिक्षा पालन उसको पढ़ाया लिखाया। तो थोड़ा बहुत इसके बारे में हम बता दिए, जानकारी आप खुद देख सकते हैं। और नेपोलियन बोनापार्ट का उदय में सबसे पहले आपको वितरण पढ़ना पड़ेगा, और दूसरा पतन, तीसरा डाउनफॉल। डाउनफॉल क्या गिरावट था, मतलब वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन। और सी नंबर में आपको बता देते हैं वीना कांग्रेस, कांग्रेस ऑफ वीना,
कांग्रेस ऑफ विनो कुछ नहीं है, विनो कांग्रेस यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन था जो सितंबर 1814 से जून 1815 की विनो को आयोजित किया गया था। थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको पढ़ लेना है, यूरोप की संगीत कार्यक्रम में पढ़ना है, और मार्टिन सिस्टम भी इम्पोर्टेंट है, तो मार्टिन सिस्टम आपको पढ़ना है। मार्टिन सिस्टम को आप डिटेल से देख लीजिएगा। फिलहाल आप आगे बढ़ते हैं। 1830 से लेकर 1848 का क्रांतिकारी आंदोलन, ये भी आपको पढ़ना है, ये भी आपको पढ़ना है। डी सेक्शन में जाते हैं तो 1848 से लेकर 1871 के परिवर्तन और विकास के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें फर्स्ट इटली एकीकरण आपको पढ़ना है, क्योंकि तो काफ़ी फेमस यूनिफिकेशन था इटली का। मतलब इटली एकीकरण में जो लोग यहाँ उतर, ज़्यादा लोग ये भौगोलिक, उससे पहले ये भौगोलिक और समय सम्बोलिक भौगोलिक और अधिकारी मात्रा में चुने गए थे। ये काफ़ी यहाँ के लोग काफ़ी विषैले लोग थे, जिन्होंने मतलब ये सब किया अधिकारी को पाने के लिए, कुछ अपने महोत्सव के लिए कुछ ना कुछ करते रहते थे। तो इटली एकीकरण के बारे में आपको पढ़ना है, और जर्मन यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। जर्मन यूनिफिकेशन 18वीं और से लेकर 1848 ईस्वी के द्वारा जर्मनी के लोगों को एकता और उसका विकास का परिकरण किया, तो उसके बारे में पढ़ना है। और यहाँ का लोग ज़्यादातर इटली के लोग का विकास रेलवे से ज़्यादा विकास था, और जर्मनी का थोड़ा व्यापारिक था, तो इसके बारे में फिलहाल देख लीजिएगा। फ्रांस के परिवर्तन यानी लुईस नेपोलियन थर्ड, इसके भी बारे में पढ़ना है। लुईस नेपोलियन थर्ड, फ्रांस में क्या परिवर्तन हुआ उसके बारे में पढ़ना है। आप जर्मनी एकीकरण भी पढ़ लेना। यूनिट टू में आते हैं, यूनिट टू में भी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन आते हैं। 1871 से लेकर 1914 के बीच का यूरोप कैसा था उसके बारे में आपको पढ़ना है। यूरोप 1914 से लेकर 1945 में क्या क्या हुआ उसके बारे में पढ़ना है। और रूसी क्रांतिकारी 1917 एवं पेरिस समझौता के बारे में पढ़ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पेरिस शांति समझौता, इसको फिलहाल आप पढ़ लीजिएगा। महान उपवाद और फांसीवाद और नाइजीवाद के बारे में आप पढ़ना है। फिलहाल लास्ट में ये बता देते हैं विश्व युद्ध की उत्पत्ति टू कैसे हुआ, वो आपको पढ़ने लेना है। तो आई मैंने सिलेबस तो डिस्कस कर लिया आपको, बाकी इसके बारे में डिटेल से पढ़ लीजिएगा, और आने वाले समय में इसका क्वेश्चन भी हम अपलोड कर देंगे। फिलहाल उससे पहले, जाने से पहले आप सपोर्ट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ताकि इसी तरह आपको रोज़ाना टॉपिक मिलता रहे। थैंक यू।